नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24। इस समय देख सकते हैं कि हम नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल का एक चेकअप कैंप लगा हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी डॉक्टर्स और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन जो हैं वो हो रही हैं बारी बारी से। और आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर करें और जो भी लोग जो हैं, जिस तरीके से बता दें कि पहले भी कई बार जो है इस तरह के चेकअप कैंप लगाए जा चुके हैं और अभी यहाँ पर सभी के सभी जो लोग हैं सबके रजिस्ट्रेशन जो है वो सामने किए जा रहे हैं और चेकअप कैंप के अंदर काफी कुछ टेस्ट जो है वो किए जाएंगे और यहां पर निशुल्क जो ये टेस्ट है वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर निकिता जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर अर्चना जी जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर असीम जी जनरल सर्जन, इनका भी यहाँ जोरदार स्वागत। श्रीमान रवि भारद्वाज जी और सिग्नस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो यहाँ मिल करके जो प्रयास हमारे लिए किया है, हमारे कर्मचारियों के लिए जो किया है, इसका श्रेय श्री महावीर सिंह सोटी जी को जाता है। और हमारे जो एएमसी साहब हैं श्री धीरज जी, उनको इसका पूरा श्रेय जाता है, जो कि हमारे लिए आज ये व्यवस्था हुई है। हमारे घर पर आकर के, हमारे कार्यस्थल पर आकर के सिग्नस हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर्स ने जो चेकअप कैंप लगाने का निर्णय लिया है, इसका सीधा सीधा फायदा हम लोगों को पहुंचने वाला है। हम आज यहां जो चार स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, आप लोगों की फ्री जांच करेंगे, उसके बाद जो भी टेस्ट रहेंगे, जिस भी प्रकार से रहेगा, आप लोगों के ट्रीटमेंट का भी जो है व्यवस्था करी जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि विधिवत इस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए श्री रवि भारद्वाज जी प्लीज़ आएँ और आप भी जो है दो शब्द आप मंच के माध्यम से सबको दें, प्लीज़। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये कैंप लगाया जा रहा है, उसमें सबसे पहले जो डॉक्टर आबिद अमीन भट्ट हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, जैसे आप लोगों का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट है, आप लोग होंगे ताकि आप सबको हमारी तरफ से सुविधाएं प्राप्त हो सके। अब इसी बात के साथ मैं अभी हमारे जनरल मैनेजर ऑपरेशंस के उम्मीद करूंगा आदित्य झा जी से कि वो दो शब्द कहें और इस कैंप को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। मैं सोडी सर को थैंक यू कहूंगा और इन थैंक यू कहने का ये कारण नहीं है कि हमें यहाँ आने का मौका दिया गया। हम यहाँ आना चाहते थे और सर ने हमें इतना सपोर्ट किया कि आप लोग आए हो, सर ने कन्वे किया इतनी अच्छे से, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। यहाँ हमारा मकसद एक ही है आने का, कि कभी कितनों को कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है जो उसको टालते रहते हैं कि डॉक्टर के पास कौन जाएगा, हॉस्पिटल कौन जाएगा, तो हॉस्पिटल खुद ही चल के आपके पास आया है। तो इस मौके का ये एक मौका होता है, जो कि जनरली बीमारियों में क्या होता है कि अगर पहले पता चल जाए तो आपको आसानी होती है उसके इलाज में। कैंप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, आप बिलीव करें, हर कैंप से कुछ लोगों को जीवनदान मिलता है, ये देखा गया है। जर्नल्स में आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो क्योंकि कुछ ना कुछ लोग हैं जो टालते रहते हैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स को, जो आगे बढ़ता रहता है, तो कैंप से इन सब चीज़ों से निजात मिलता है, लोग खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि अगर कैंप में उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोगों से यही कहूँगा, जो भी आपको दिक्कत है, काइंडली हमारे डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे जनरल सर्जन हैं, हमारे मेडिसिन के MD मेडिसिन है, हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और सिग्नस के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, हम पहले हॉस्पिटल हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे आए। आज तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हम पहले हॉस्पिटल हैं और आज भी सिग्नस समाज से जुड़े रहने के लिए प्रयासरत रहता है, क्योंकि हमारा एक फर्ज एक समाज के प्रति भी होता है, जिसको सोशल कॉज पे कहते हैं। तो ये हमारा एक सोशल कॉज है जिसके लिए हम ये स्टेप उठाते ही रहते हैं। और आपसे ये नहीं है कि एक बार आए फिर नहीं आएंगे, फिर हम एक नियमित अंतराल पे सर के सहयोग से फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी तो डॉक्टर आबिद अमीन भट्ट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस बारे में ये कैंप लगा है, क्या कुछ इसके अंदर जो है टेस्ट किए जा रहे हैं और क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? पहले तो मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू सोडी साहब का, इनकी टीम का और हमारे जो कंसल्टेंट्स आए हैं। ये जो कैंप हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे जहाँ म्यूनसिपल ऑफिस में, इसमें हम आज फ्री BP का चेकअप, फ्री शुगर का चेकअप करेंगे। ये एक जनरल हेल्थ चेकअप है, जो एक रूटीन जो बीमारियाँ हैं, जो प्रिवेंटिव बीमारियाँ हैं, उनमें उनको एक प्राइमोडियल या प्राइमरी प्रिवेंशन जो बोलते हैं। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, म्यूनसिपल ऑफिस को ही
क्यों यूज़ किया गया, आज प्राइमरी हम यहाँ पे क्यों आए हैं, अगर आप देखोगे सबसे पुरानी जो बीमारियाँ हैं, बीमारियों को दो हिस्से में बांटा जाता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो सबसे डेडली बीमारी होती है वो होती है कम्युनिकेबल, जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक जल्दी जल्दी फैलना शुरू हो जाए। उसका अभी हमने एग्जाम्पल कोविड देखा। कोविड से पहले भी ऐसी कई बीमारियाँ आई, और सबसे पहले वो बीमारी जिसने इस कंसेप्ट को जागृत किया वो थी कॉलरा। कॉलरा 18वीं सेंचुरी की वो बीमारी थी जिसने बड़े बड़े एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हाई नंबर में, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। उस कॉलरा को ठीक करने के लिए दो डिपार्टमेंट्स और दो लोगों का हाथ था। एक थे डॉक्टर जो उसको ट्रीट करते थे, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो उस टाइम की अपने उस हिसाब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, क्योंकि जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो एक अहम हिस्सा है वो है सैनिटेशन, और कम्युनिकेबल डिजीज़ को दूर करने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है प्रॉपर सैनिटेशन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बहुत अहम रोल है हमारे हेल्थ में भी, और अगर ये हमारा हेल्थ का इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे भी ख्याल रख रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ टाइम निकाल के इन एम्प्लॉयज़ के पास बैठें और एक बार जाने कि कोई किसी में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, कोई किसी परेशानी से तो नहीं, क्या किसी को कोई शुगर बीपी या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जो वो बता नहीं पा रहा, जो हॉस्पिटल नहीं आ रहा। तो उस वजह से हम यहाँ, जैसे जहाँ साहब ने कहा, हम आज आए हैं, और हम सोडी साहब, इनकी टीम, धीरज जी, उनकी टीम का थैंक यू बोलते हैं, और हम कोशिश करेंगे जो भी हमारी तरफ से मैक्सिमम बेनिफिट हो उन सबको मिलते जाएँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और इन सभी के आज टेस्ट होंगे, जो जनरल टेस्ट, जिस तरीके की जो जनरल बीमारियाँ होती हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। और आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर करें। सिग्नस पहले भी जो अस्पताल है वो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके पहले फिर वो टेस्ट करते हैं लोगों के, ताकि जैसे कि शुगर की बीमारियाँ होती हैं, इस तरीके से कोई बीपी चेक होता है, तो ऐसे जनरल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आज जिस तरीके से एक बीमारी दूसरी शरीर में जो है प्रवेश कर जाती है, तो इस तरीके से जो है उनके भी जो है आज टेस्ट किए जाने हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये डॉक्टर हैं असीम तरीका, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरीके से आज कैंप लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? ऐसा है कि भाई जो हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जी ने बोला कि भैया के हॉस्पिटल खुद चल के आया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो जो लोग अपने आप को निगलेक्ट करते हैं कि जो नहीं जा सकते, कई बार सोचते हैं कि हम भी काम है और हम नहीं जाना चाहेंगे, वहाँ पे भीड़ हो गई या कुछ और चीज़ें, कई खुद के पर्सनल रीजन भी होते हैं ना आने के, तो ये एक अच्छा मौका है दिखाने का कि जब हॉस्पिटल यहाँ पर आया है, कुछ प्राइमरी जांचें हम यहीं पे करेंगे, बाकी अगर कुछ आगे रिक्वायरमेंट होगा तो वो बाकी हॉस्पिटल में पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेगा मेडिकल चेकअप कैंप जो है ये लगाया गया है, सभी के सभी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और नगर निगम के अंदर ही आज जो है ये चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसे जो है लगभग एक दो घंटे तक जो है लगातार चलता रहेगा, और बारी बारी से सभी कर्मचारी, क्योंकि सुबह से शाम ये भी लोग हमारे शहर की सफाई रखते हैं, इसमें हर तरह के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं और अन्य कुछ कर्मचारी हैं, तो वो उनके लिए भी जो है उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये चेकअप कैंप जो है सिग्नस अस्पताल के द्वारा, जो कि करनाल में स्थित है, लगाया गया है। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे अब इन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।